ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੱਖੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਾਗਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਧਾਗਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 6-6 ਧਾਗੇ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। कुछ डिजाइन ने जिहड़े कि स्टार्टिंग तो शुरू होंगे पर यह अपना सेंटर तो शुरू होगा। दोनों साइडां तो 6-6 धागे पाने हैं। धागे पाते हुए तुम इस गल का ध्यान रखना है कि धागे थोड़े बिल्कुल सीधे होने चाहिए, कोई वाल या कोई वटे नहीं होने चाहिए क्लीयरली, ताकि डिजाइन के विच सफाई आए। बिल्कुल कोले कोले जिस तरह आप ताणा ते पेटा पाने हैं, ये ताणा ते पेटा दोनों इकट्ठे ही पाए जाएंगे। इस तो बाद देखो दोनों साइडां दे 6-6 धागे पा ले। हुण आपां की करांगे कि सेंटर दा जिहड़ा अपना ब्लू कलर दा धागा गा इहदे नाल इक इक धागा नाल वाला पिंक वाला इन्हां नूं आपां नाल दबा के बिल्कुल सेंटर तों ये डिजाइन शुरू कर देंगे इस तरीके दे नाल। फिर हर वारी की करांगे कि देखो जिस तरह आपां इत्थे ये सेंटर दे 3 धागे दबाए आ, उस तों बाद ये आपां वधाउंदे जावांगे, 3 दबाए आ, फिर 5, फिर 7, फिर 9। इस तरीके दे नाल आह आपां ये सारे धागे ने जिहड़े आपां चंगी तरह पा देंगे। देखो इस तरीके दे नाल आपां दोनों साइडां तो ही 6-6 धागे, जिवें कि आपां पहलां एक धागा ब्लू कलर दा ते नाल दा एक धागा पिंक वाला दवाया सी, उसे तरह ही हुण आपां इत्थे भी उसे तरह ही दवावांगे। फिर उस तों बाद फिर उस तरह ही 3 धागे, 5 धागे, फिर 7, फिर 9, यानी कि सारे 6 दे 6 धागे ने जिहड़े आपां पा देंगे। अगे तो ते पिछे तो इस तरह दिखाई देवेगा। हुण इस तों बाद आपां अगला नैक्सट कलर का धागा लवेंगे ब्लू कलर का, ये भी 6-6 धागे पाने ने। पहला देखो जिस तरह आपां पिंक कलर के धागे दे विच आपां धागिआं नूं दबाउंदे होए, यानी कि पहलां 3 धागे दबाए फिर 5, ब्लू कलर के विच आपां उहदे ओपोजिट करना, यानी कि इहदे विच आपां 3 धागे पहलां चक्कांगे, फिर 5 धागे चक्कांगे, फिर 7 धागे, फिर 9 धागे, इस तरह ये 6 धागे पाउणे आगे उहनां 6 धागिआं नूं चक्कदे होए। देखो आपां पहलां आपां 3 धागे चक्के, फिर 5, हुण आपां 7 चक लांगे। ऐसे तरह अपने 6 दे 6 धागे ब्लू कलर दे विच ए वाली साइड ते भी पाउणे आगे। फिर दूसरी साइड ते भी आपां सेम उसे प्रोसैस दे नाल अगे कंटिन्यू करांगे। देखो दोनों साइडां तों आपां स्काई कलर दा धागा पा चुके आ। हुण आपां की करना है कि स्काई कलर दा जिहड़ा धागा उहदा लास्ट वाला एक धागा दबाउणा, ते जिहड़े ये पिंक दे ते ये स्काई वाला ये सेंटर दे आपां 3 धागे चक्कणे आ, ते दूसरी ए वाले पॉइंट ते आके आपां इहदा भी एक धागा दबा के लंघांगे। फिर हर वारी देखो की हुंदा जाऊगा कि जिहड़े स्काई कलर दे धागे जिथे आपां एक धागा दबाया फिर आपां इह 2 धागे दबा देंगे, ते सेंटर वाले जिहड़े आपां पहलां 3 चक्के सी हुण इत्थे आपां दोनों साइडां तों एक एक धागा वधा देंगे, यानी कि इह 5 धागे आपां चक लांगे। तो स्काई कलर दे धागे फिर उस तरह ही 2 धागे आपां दबाउंदे होए बाहर निकलांगे। फिर इस तरह ही हर वारी की होगा कि स्काई कलर के जिहड़े धागे ने पहला आपां एक धागा दबाया फिर 2 फिर 3, इस तरह ही 6 दे 6 धागे दबाए जाएंगे, तो जिहड़े पिंक वाले ने आपां इह सारे चक्कने ने, तो इस तरह ही बन जूगा। बिल्कुल ध्यान दे नाल धागा बिल्कुल थोड़ा सीधा होना चाहिए जी, वटे नहीं होने चाहिए। इस तरीके दे नाल अपना ये तैयार हो जूगा। 6 धागे पाए गए, फिर लास्ट वाले धागे की करेंगे कि स्काई कलर के सारे धागे दबाने हैं तो पिंक वाले सारे चकने हैं, इस तरह ही दूसरी साइड तो भी कर लेंगे। इस तो बाद देखो आप करेंगे कि स्काई कलर के धागे ने जोड़े वो अपने 6-6 पूरे हो गए, इस तो बाद आप पिंक कलर का धागा लवेंगे। ये वाले स्काई पॉइंट से एक धागा चकना गा, तो पिंक वाले जेडे आप सेंटर के 3 दबाने हैं। पहला आप देखो पिंक वाले धागे जोड़े चक रहे थे हूँ वो आप दबावे, पहला सेंटर के 3 धागे दबाए ने, उहदे नाल ही स्काई कलर का एक धागा आपां चक्किया गा। इस तरीके दे नाल देखो धागे नूं हर वारी सीधा करना जरूरी है। फिर स्काई कलर के 2 धागे चकांगे, तो इहदे आपां नाल दे एक धागे नूं वधा देंगे, स्काई दे फिर 2 धागे आपां चक लांगे। हर वारी की होगा इस तरह स्काई कलर का धागा अपना वधदा जाऊगा तो पिंक वाले वधी जाणगे। पहला आप स्काई दे एक धागा से फिर 2 फिर 3, इस तरह आप चकते हुए सारा डिजाइन पूरा करेंगे। इस साइड तो पूरे करके तो बाद आप दूसरी साइड भी उस तरह ही कर लेंगे। फिर आप बाकी रोटेट करके
दूसरी साइड पर पहुँच के आप की करेंगे कि पिंक के तो सारे एक धागे चक लाँगे, तो स्काई कलर का आप करेंगे कि इतों एक धागा चक लाँगे, तो पिंक के आप सेंटर वाले तीन धागे उस तरह ही हर बार दबाते जावे। यानी कि यह अपने पिंक से जोड़ा स्काई है ये ही अपना डिजाइन है जोड़ा बनूगा। पिंक जोड़े साइड होते ने उन्होंने आप हर बार की करांगे कि इस तरह एक बार सारे चक ले फिर यही आप कटाते जावे। इस तरह इन्हों धागे बिल्कुल सीधा पाते जाए। दोबारे फिर आप करेंगे पिंक के दो धागे चक ले, स्काई के दो धागे चके गए, तो सेंटर वाले पिंक से आप धागे दवावे। स्काई कलर के दोबारे फिर आप दो धागे चकांगे, तो पिंक के भी दो धागे दवाते हुए अगे लंघ जाएंगे। इस तरह अपना ये वाला डिजाइन है जोड़ा कंटिन्यू होगा। पहला आप एक साइड तो इन्ह सारे कंप्लीट करा, फिर आप दूसरी साइड तो कंप्लीट करा। चार साइडा तो भरते हुए ये डिजाइन है जोड़ा अपना सौखा भी है, तो ये बखी छेती भी भर जाती है। दोनों साइडा तो देखो इस तरह दिखाई देती है, काफ़ी सोहना डिजाइन तैयार बन जाए। फिर इस तो बाद देखो आप करा स्काई कलर का धागा लवेंगे। पिंक वाले धागे जोड़े कि आप देखो आप इस तरीके दबा रहे थे, हूँ लास्ट तो एक धागा आप चकना गा, तो स्काई कलर का भी एक धागा चकेंगे। ध्यान दे पहले आप एक धागा चकेंगे, फिर स्काई कलर का भी एक धागा चकेंगे, तो जोड़े ये सेंटर से आप पहुँच गए हैं इतने हूँ आप करा कि पहला आप इन्हों दबा रहे थे, हूँ आप इन्हों चकना शुरू करा। सेंटर वाले उ तीन धागे एक स्काई धागा दो लैफ्ट राइट तो पिंक धागा इन्हों आप नाल चकेंगे, फिर स्काई कलर का एक धागा दवावे बाकी चकेंगे, तो पिंक का भी एक धागा दवावे तो बाकी आप चक लाँगे। देखो इस तरीके दे फिर उस तरह ही पिंक का एक धागा चकेगा, हूँ आप दो धागे चकेंगे। स्काई कलर का भी आप पहले एक धागा चकिया से फिर आप भी दो स्काई तो पिंक दोनों दो दो ही होंगे, तो सेंटर के उस तरह ही जिमें कि पहला आप तीन धागे चके फिर पांच धागे चकेंगे। हर बार की होंदा जाऊगा कि दोनों साइडा तो पहला तुसी स्काई कलर के धागे दे नाल बुनती करोगे, फिर आप पक्षी को घुमा के दूसरी साइड तो भी उही धागे कंटिन्यू रखांगे। यानी कि जो आप इन्हां नूं चार साइडा तो बुनते जाने गे तो अपना यह डिजाइन चार साइडा तो ही भरना शुरू हो जाता है। देखो इस तरह तो धागे नूं सीधा करते जाओ हर वारी। देखो ये दूसरी साइड तो इस तरह का एंड ते थोड़ा ये डिजाइन बन के तैयार हो।